किंग। जनपद बागपत पुलिस का अपराध पर बड़ा प्रहार, जनपद सिंघावली थाना पुलिस और सर्विलांस टीम के हाथ लगी बड़ी सफलता। अंतर जनपदीय ट्यूबवेल चोर गिरोह का पर्दाफाश, 5 सदस्य किए गिरफ्तार। भारी मात्रा में चोरी किए गए नलकूप उपकरण बरामद, दिन में ट्यूबवेलों की रेकी कर रात्रि में चोरी की घटनाओं को देते थे अंजाम। पिछले 5-6 महीने से थे सक्रिय। गिरफ्तार अभियुक्तों पर विभिन्न जनपदों में 7 दर्जन से अधिक मुकदमे दर्ज। पुलिस प्रशासन तथा किसानों ने ली राहत की सांस। गिरफ्तार अभियुक्तों के अन्य साथियों की तलाश में जुटे पुलिस। एसपी अर्पित विजय वर्गीय के ने प्रेस वार्ता कर दी जानकारी। बागपत से सुनील अग्रवाल की रिपोर्ट। क्या कहते हैं, जुबैर ने माल उस टीम से भी पहले, अभी हाल फिलहाल में तो नहीं, लेकिन 6-8 महीने पहले खरीदा। कितने चोर कर रहे हैं और किस तरह की चोरी कर रहे थे, ये आप सभी लोगों को अवगत कराना है कि हमारी थाना सिंघावली अहीर की पुलिस और सर्विलांस और एसओजी की टीम ने आज एक गिरोह का पर्दाफाश किया है। ये जो चोरों का गिरोह है, ये अभी पिछले कुछ दिनों में जो ट्यूबवेल चोरी की जो घटनाएं थी वो कार्य कर रहा था। इसमें काफ़ी समय से हमारी टीमें लगी हुई थी और इसमें हमें सफलता मिली है। अभी 2 दिन पहले भी जो इनका एक साथी था, वो हमारा वांछित भी था गैंगस्टर में, उसको भी हमने गिरफ्तार किया था और इनको भी इस टीम ने गिरफ्तार किया है। इसमें अभी हमने 5 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनके नाम है आकिब, श्याम, पप्पू, अमित और जुबैर। इसमें से कुछ लोग चोर हैं और कुछ लोग कबाड़ी का काम करते हैं, जो कि चोरी का माल इन लोगों से खरीदते थे। और जो इनसे पूछताछ में ये तथ्य सामने आए हैं कि ये लोग जो हैं, एक इनके पास गाड़ी थी वैगनार और सेंट्रो, वो जो भी अवेलेबल रहती थी उसको लेके ये निकल जाते थे और जो भी सुनसान ट्यूबवेल रहती थी, जहाँ जंगलों में ट्यूबवेल रहती थी, जहाँ अंधेरा रहता था, वहाँ पे ये घटना कारित कर लेते। एक रात में 4 से 5 ट्यूबवेल को ये टारगेट करके उसका तांबा निकाल के ये बेचते थे। और ये भी जानकारी में आया है कि ये लोग लगभग 500 रुपये किलो के हिसाब से तांबे को बेचते थे, फिर आगे अपने साथियों को उससे उससे ऊपर वाले दाम में आगे बेच देते थे। इनसे अभी लगभग 12 किलो जो है वो तार बरामद हुआ है, जो घटना में ये इस्तेमाल करते थे सामान, हथौड़ा, छेनी, चाबी, ये भी इनसे बरामद हुई है। एक सेंट्रो गाड़ी बरामद हुई है। इसके अलावा कुछ कटआउट और स्टार्टर बॉडी वगैरह भी इनसे बरामद हुए हैं। और इनसे जानकारी करने में पता चला है, इनमें से कुछ व्यक्ति पहले भी ई रिक्शा चोरी और बाइक चोरी में जेल गए हैं। और इस टीम ने काफ़ी मेहनत करके इस गैंग का पर्दाफाश किया है, तो इनको मेरी तरफ से 10,000 रुपये इनाम भी घोषित किया गया। किस तरीके से इनामी बदमाश भी है? इनामी बदमाश भी है इसमें, कोई इनामी बदमाश? किस तरीके से उनको बर्दाश्त देते हैं ये लोग? इसमें से कुछ लोग जो हैं साइकिल से खेतों में पहुंच जाते थे, वहां पे घटना को अंजाम देके फिर जो भी इनका साथी होता था वो गाड़ी लेके आता था, सामान को गाड़ी में इकट्ठा करता था, फिर कबाड़ी के वहां जाके ये बेच देते थे। ये चीज़ें आई हैं। लगभग इनसे अभी तक आज जो माल बरामद हुआ है वो 30,000 रुपये का माल लगभग बरामद हुआ है। और जो इन्होंने अभी जो घटनाएं की हैं पिछले 3-4 महीने में, लगभग 1.25 लाख का ये माल कबाड़ियों को बेच चुके। क्या कबाड़ी भी मिलकर चोरी करते हैं? कबाड़ियों को ये पता था कि ये चोरी का माल है। ये घटना के समय वहाँ मौके पे नहीं जाते थे, लेकिन जो चोरी किया हुआ माल था यही खरीदते थे और यही फैसिलिटेट कराते आगे बिकवाने में।